प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का नशे के खिलाफ स्वागतीय कदम, एसपी ने दिखाई हरी झंडी। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया रहे उपस्थित। नशे की कीमत जिंदगी भर की दीमक, एक पल का नशा जिंदगी भर सजा ही सजा, बंद करो नशे का पाल। शिवपुरी में लगातार बढ़ रहे नशे के खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने अपनी ताल ठोक दी है। वहीं एक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें शिवपुरी शहर के प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राएं लगभग 4,000 की संख्या में शामिल हुए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की रैली को पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने पुराने बस स्टैंड पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 4,000 की संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं रैली में शामिल हुए, जिन्होंने नशा मुक्ति अभियान को छेड़ा। उन्होंने कहा कि नशा पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, इसलिए नशे से हमें दूर रहना चाहिए। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली मानस भवन पहुंची, जहां पर नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम किया गया। इन स्कूलों के बच्चे रैली में शामिल हुए। इसमें इनोवेटिव स्कूल, गुरु नानक स्कूल, शिवपुरी पब्लिक स्कूल, किड्स गार्डन, सेंट चार्ल्स स्कूल, सेंट बेनेडिक्ट स्कूल, हैप्पी डेज स्कूल, गणेश ब्लास्ट स्कूल, ज्ञान प्रभात स्कूल, गीता ज्ञान मंदिर स्कूल, विद्या निकेतन स्कूल, जीनियस हाइट्स स्कूल, जैक एंड जेल स्कूल, एसएसडी एक्सीलेंस स्कूल के साथ बैराड ब्लॉक की स्कूल डायरेक्टर रैली में उन्होंने सहभागिता की। स्कूली बच्चों द्वारा नशा मुक्ति के लिए खिलाफ रैली निकाली गई है, क्या कुछ रैली? ये बड़ा स्वागतयोग्य कदम है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा आज हजारों की संख्या में बच्चों को नशे के विरुद्ध अभियान में एक रैली निकाली गई। बीच में चर्चा हुई थी कई लोगों से, स्कूल वालों से, उनका भी कहना था कि हमें भी लगता है कि समाज को जागरूक करना और परिवार के लोगों को भी जागरूक करना, ताकि बच्चे अगर जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर वो ठोकेंगे। एक तो दूसरा खतरा यूँ रहता है कि बच्चे भी कई बार इसका शिकार हो जाते हैं, उनमें भी जागरूकता है। उसके लिए बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा और दूसरी कदम है जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा किया गया है। इसके बाद इनका रैली खत्म होने के बाद में इनका एक कार्यक्रम भी रहेगा, जिसमें उसकी बात पर चर्चा भी होगी और बातचीत भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि शिवपुरी में नशा जो मुक्त करना है, उसमें जनता के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात इतना है, खाने की डरने की बात नहीं है। ये पुलिस का आश्वासन है आपको, अभी और इसको ज़्यादा रिटर्न सूचना मिलेगी, हम कार्रवाई कर पाएंगे। तो ये मैं प्राइवेट स्कूल बहुत बहुत धन्यवाद।